दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर के गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से उन्हें झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने रिमांड और उनकी गिरफ्तारी पर किसी प्रकार का कोई फैसला देने से पहले 2 तारीख तक पूरे मामले को टाल दिया है। ईडी से जवाब मांग लिया है। इसके अलावा ईडी एक तरफ उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ कर रही है, 6 दिन की रिमांड पर ले चुकी है, वहीं इसी बीच में अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। ईडी की रिमांड की अवधि खत्म होने से ठीक पहले सीबीआई एक्टिव हुई है और सीबीआई भी अपने केस में उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। ईडी पैसों के ट्रेल जानने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच कर रही है। एक बार जब ईडी की रिमांड खत्म हो जाएगी तो सीबीआई केजरीवाल को रिमांड पर लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार निवारण के तहत अपराध की जांच कर रही है जिसमें उसने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी सिसोदिया के साथ भी ऐसा ही सीबीआई कर चुकी है। आपको बता दें, शराब घोटाले को लेकर के दोनों एजेंसियों ने उन्हें काफी दिनों तक रिमांड पर लेकर के अलग अलग पूछताछ की थी, जिसको लेकर के अभी भी मनीष सिसोदिया जेल में है। बीते सोमवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को यह भी बता दिया था कि आबकारी घोटाले में कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस संकेत की अटकलें लगाई जा रही थी। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करने के दौरान ये बात कही गई थी। अप्रैल 2023 में केजरीवाल से समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन के कथित भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में सीबीआई 9 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में पूछताछ करने और कथित घोटाले से संबंधित तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भी जारी किया गया था। अब सवाल यह है कि सीबीआई अब क्या चाहती है। दरअसल केजरीवाल से वो पूछना क्या चाहती है, ये भी सवाल है। अब आपको बताएं कि पूछताछ के दौरान सीबीआई मामले में गिरफ्तार लोगों के कुछ खुलासों और गायब फाइल के ठिकाने के बारे में जानना चाहती है, जो कि अब तक नहीं मिला है। इसमें से ये भी जानने का इरादा है कि क्या केजरीवाल ने गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर बात की थी या नहीं। उन्हें आपके गिरफ्तार संचार प्रभारी विजय नायर के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था या नहीं, ये भी जानने के लिए सीबीआई बेताब है। एक अधिकारी ये भी कहते हैं कि एजेंसी ये भी जानना चाहती है कि क्या केजरीवाल के आवास पर सी अरविंद नामक दानिश अधिकारी को नीति का मसौदा सौंपा गया था। सीबीआई कुछ विवरणों को भी सत्यापित करना चाहती है जो कथित तौर पर आई क्लाउड खाते से प्राप्त किए गए थे। गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को शराब नीति घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सितंबर के पहले सप्ताह में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीबीआई के एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की थी। तब से लगातार दोनों एजेंसियां समय समय पर तमाम नेताओं और अधिकारियों से पूछताछ और गिरफ्तारियां कर चुकी हैं। अब चूंकि मामला सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है तो ईडी के बाद सीबीआई एक्टिव हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।